नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा आप फाइनेंशियल न्यूज और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। हम यहां पर वीडियो बना रहे हैं, पहले तो हम NSE पे जाके डाटा देखेंगे यस बैंक का आज का क्या कह रहा है, और इसके साथ साथ दो लेटेस्ट न्यूज को भी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के आखिरी में हम समझेंगे कि दोनों ही न्यूज से जो हमें चीजें समझ में आ रही उसके हिसाब से क्या ओवरव्यू हम ले सकते हैं, क्या टारगेट ले सकते हैं, और क्या हमें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए, और क्या फ्रेश बाइंग के लिए लेवल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ आज का डाटा है। ये 14.85 रुपये पे क्लोज हुआ है यस बैंक की। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि पिछली क्लोजिंग जो हुई थी इसमें, वो भी 14.85 रुपये की थी। ओपन जो हुआ था 14.90 रुपये पे हुआ था, हाई बनाया 15.05 रुपये का, बहुत ज़्यादा हाई नहीं बन पाया, फिर लो लगाया 14.75 रुपये और आखिरी में जाके क्लोज हुआ अपने सेम प्राइस पे जहां पर ये आप कह सकते हैं क्लोज हुआ था लास्ट डे पे यानी कि कल पे। अब थोड़ा सा इसका डाटा समझते हैं कि क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है। क्वांटिटी ट्रेड में अगर आप जाके देखते हैं तो 6.10 करोड़ से ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें कि 2.54 करोड़ से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग करी गई है। अब यहाँ पर अगर ऑर्डर बुक मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है पूरा सही से, बट यहाँ पर अगर आप अगर फिर कुछ देर बाद चेक करते हैं तो ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर तो लगभग 2 करोड़ के ही करीब यहाँ पर सेलिंग भी हुई है। तो यानी कि जैसे बाइंग हो रही है उसी हिसाब से सेलिंग भी हो रही है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि यस बैंक का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, लगातार इसी साइकिल में इसी सेशन में ये मूव कर रहा है। अब आते हैं फटाक से हम न्यूज़ के ऊपर कि कौन सी वो दो न्यूज़ हैं जिसमें मैं पहले बात करूंगा। यहाँ पर आपको लेके आया लाइव मिंट की वेबसाइट पे, सुप्रीम कोर्ट रूल्स आउट एक्सटेंशन ऑफ मोरेटोरियम वेव्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। पहली चीज़ यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा, बैंक्स ग्रॉस NPAs स्टूड एट ₹7.4 ट्रिलियन एंड नेट NPAs एट ₹1.7 ट्रिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर ड्यू टू द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड स्टिल ऑन फ्रेश बैड लोन्स। GNPA रेशियो कुड हैव राइजन टू 8.7 ट्रिलियन एंड नेट NPA रेशियो टू 2.7 ट्रिलियन इन द एब्सेंस ऑफ द स्टैंड स्टिल। अब यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटी समझाना चाहूँगा इस आर्टिकल के बारे में, इसको आप पढ़ना चाहेंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मेन चीज़ क्या हुई थी, अभी कुछ समय पहले आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना होगा कि सभी बैंकों पे ये न्यूज़ जो है खाली यस बैंक नहीं सभी बैंकों के लिए ओवरव्यू कर सकती है या आप ले सकते हैं एक ओवरव्यू, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऑर्डर लाया था कि जो अभी कोविड टाइम के टाइम में आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर NPAs हुए थे यानी कि जो लोग बोरोअर थे जिन्होंने लोन लिए थे और रिपे नहीं कर पा रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि उसे NPA में ना गिना जाए, उनको लगभग 3 महीने की मोहलत दी जाए। तो मार्च अब एंड होने वाला है, इसके बाद हमें असली डाटा देखने को मिलेगा। तो इससे आपको ये समझना होगा कि अभी तक जो NPA हम देख रहे हैं, चाहे यस बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे SBI बैंक, किसी भी बैंक का हो, वहाँ पर चाहे हम नेट NPA की बात करें चाहे ग्रॉस NPA की बात करें, जो रियल फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो अभी हमें पता ही नहीं चल रहे, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। और RBI भी ये बयान दे रही है कि बैंक में बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में, बैंक को सर्वाइव करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना भी देखी जा रही है। और दूसरी चीज़, क्योंकि जब ये लोन अगर यहाँ पर बोरोअर के लिए तो अच्छी बात थी, बट अगर यहाँ पर लोन रीपे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो बैंक के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी, क्योंकि अचानक से उनका NPA बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ लगा सारे बैंक सेक्टर पे हिट कर सकता है और साथ ही साथ यस बैंक पे, क्योंकि यस बैंक का NPA की हम बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ के करीब बहुत ज़्यादा NPA है यस बैंक का, एक तरह से देखा जा सकता है। दूसरी न्यूज़ के बारे में मैं बात करूँगा जी बिजनेस की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यस बैंक शेयर हैज बीन ऑस्किलेटिंग बिलो ₹15 लेवल फॉर द लास्ट फ्यू सेशन, यानी कि आप लगातार देख रहे हैं 15 रुपए के नीचे ही ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर ऑस्किलेट कर रहा है 14.85 रुपये, 14.95 रुपये, 14.40 रुपये, ऐसे ऐसे करके। और यहाँ पर इस आर्टिकल का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस आर्टिकल में जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक मोटा मोटी आपको मैं समझाना चाहूँ, तो जो रिसर्च एनालिस्ट है यहाँ पर स्पीकिंग ऑन यस बैंक शेयर प्राइस आउटलुक, मुदित गोयल सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट SMC सेड यस बैंक शेयर प्राइस कैन शोकेस सम ट्रेंड रिवर्सल अप टू ₹22, बट इट कैन गो फर्दर डाउन इफ इट ब्रेक्स ₹12 लेवल। अब यहाँ पर इनकी रिसर्च के हिसाब से आपको मेन लेवल समझने होंगे कि जो 12 का नीचे का लेवल है वो सपोर्ट है, इसको आपको स्टॉप लॉस की तरह लेके चलना है, क्योंकि 12 का लेवल भी टूट सकता है किसी भी बैड न्यूज के कारण जो अभी आप देख रहे हैं यस
अभी जो मैंने आपको एक न्यूज इसके पहले भी बताई एनपीए को लेके, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि 12 का लेवल टूटे, और 12 का लेवल टूटेगा तो यहाँ पर आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। ये वापस से 9-10 रुपए के प्राइस पे आ सकता है, जिसके चांसेस हालांकि कम है मेरे हिसाब से, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अगर पॉसिबिलिटी है तो हमें यहाँ पर प्रिकॉशन लेके चलना होगा 12 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से। बट 15 पे यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छा सपोर्ट है यस बैंक का, और इसी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 15 रुपए के आसपास लगातार ऑस्किलेट हो रहा है, और यहाँ से जब अभी धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये लेके चल रहे हैं 18 रुपए के करीब, आपने भी देखा है। 18 से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा 22 का लेवल, जब भी ये टच करेगा आने वाले 3-4 महीने में, तो वहां से अगर इस आर्टिकल की माने तो लगभग 36 रुपए से लेके 38 रुपए तक का लेवल देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं यस बैंक स्टॉक मूविंग अप टू 38 रुपीज, यानी कि ये जो लेवल दिया जा रहा है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड में बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म पीरियड में दिया जा रहा है। तो अगर आप 36 या 38 या 22 रुपए के हिसाब से सोच के आ रहे हैं तो आपको कम से कम यहाँ पर 6 महीने से 1 साल के बीच में देखना होगा, क्योंकि अभी ग्रॉस एनपीए वाली रिपोर्ट भी जब सही होगी तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर चेंज हो सकते हैं। अब ये था जो दो न्यूज जो मैंने कवर कर ली है, अब यहाँ पर आपको समझना होगा। बट अगर अभी आप यहाँ पर यस बैंक में अपना पोजीशन समझना चाहते हैं, चाहे आप बाइंग करना चाहते हैं, चाहे आप सेलिंग करना चाहते हैं, चाहे आप होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो लेवल है अभी, क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अपर ट्रेंड नहीं देख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ, मैक्सिमम 18 तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यस बैंक के लिए, तो इतने जल्दी यहाँ से इसके आगे नहीं मूव करेगा। और अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो 12 रुपए के पास में जैसे भी आप शेयर को देखते हैं, जैसे कि अभी बीच में कुछ समय पहले आया भी था, उस लेवल पे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उसके नीचे जाने की भी संभावना बहुत कम है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप 12 रुपए के करीब थोड़े से चंक्स में ले सकते हैं। मैं रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूं कि डायरेक्ट आप पूरी फुल बाइंग कर लें। जिनको लगता है कि हाँ इसके नीचे जा सकता है आने वाले कुछ टाइम में, देखना होगा, जा भी सकता है, उस वक्त आप फिर आप मेजर बाइंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप अभी 14-12-13 रुपए के आसपास में आपने लिया है तो आपको होल्ड करने की ही मैं एडवाइस करूंगा। यहाँ पर कोई सेलिंग का प्रेशर आपको नहीं लेना है कि आप तुरंत बेच के निकलने की कोशिश करें, क्योंकि लॉस में कभी भी हमें नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ पूछनी है, तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।